गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं उठ गया हूँ, ऑस्टिन को वॉक पे लेके आया हूँ। विशाली अभी उठ गई होगी आई गेस, मेरा टिफिन वगैरह बना रही होगी। पता नहीं मेरी आंखें क्यों सूजी हुई लगती है इतनी, जबकि मैं इतनी देर से उठा हुआ हूँ। बट एनीवेज मैं घर चल के मिला। गुड मॉर्निंग हो चुकी है, मैं ऑस्टिन को वॉक भी करा लाया, इसने मेरा टिफिन भी बना दिया। अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इतना प्यार है कि हम लोग नाइट सूट भी सेम पहनते हैं, बस पजामा और मेरी निक्कर अलग है। और ऑस्टिन बाहर लेटा हुआ है, अब मैं तैयार होऊंगा, इसके बाद ऑफिस जाऊंगा, फिर ये कंटिन्यू करेगी ये औरत। हेलो गाइस, आपको मैं थोड़ी सी साफ सुथरी लग रही होंगी क्योंकि मैं अभी रील बना के आई हूँ स्किन केयर ब्रांड पे। तो मैंने बस एक लिपस्टिक लिप बाम कुछ लगाया था। हनी ऑफिस से आने वाला है, किचन का काम करके मैं फ्री हो जाती हूँ। और शायद आप मम्मी के जाना है क्योंकि चाचा की बेटी का बर्थडे है, तो उसके लिए गिफ्ट वगैरह भी लेना है। परसों चेरी का बर्थडे है तो वहाँ पर हमें सामान भी लेना है, तो देखते हैं आज कैसे होता है। ऑफिस से घर आके बीवी की मदद बीवी की मदद में लग जाओ, तभी आप लोगों को पुण्य मिलेगा। ड्रेस तो बचानी ही होगी आप लोग, मैंने मम्मा की जा रही हूँ और गर्मी बहुत है, तो इसका कपड़ा बड़ा सॉफ्ट है, तो मेरे को हुआ कि मैंने धोई भी नहीं है, तो मेरे को हुआ कि एक बार और पहन लेती हूँ फिर धो लूँगी। चलिए गाइस, लेट्स गो, दिस इज हाउ आई एम लुकिंग। गाइस, मैं अपने एक मंथ में आ गई हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे कितनी प्रॉब्लम है ट्रैवल करने में। मेरे मम्मी का घर यहाँ से 5 मिनट भी नहीं है, और मैं वॉशरूम सुसू वगैरह सब करके निकली हूँ और मुझे इतना ज़्यादा सुसू आ रहा है, मतलब अर्ज टू पी वो वाला हाल है, इतना आता नहीं है। और पेल्विक पेन इतना ज़्यादा है, अगर आप लोगों को पता हो, मतलब वो उठ जाता है और इतना ऐसा होता है, बॉडी हिल नहीं पाती उस टाइम। और दिस इज़ मेकिंग माई प्रेगनेंसी मोर डिफ़िकल्ट, सबके लिए होता होगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। मुझे जो भी प्रेगनेंसी वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो यही जो नॉर्मल चीज़ें चेंजेस हैं, यही इतनी ज़्यादा टायरिंग है कि इट्स नॉट ईजी। एंड अब ऐसा हो गया कि जल्दी से जल्दी मेरा टाइम पीरियड ख़त्म हो और मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आऊँ, बिकॉज 9 मंथ इज़ अ रियली बिग टाइम। अरे गाड़ी चला रहा है, मैं आपको बता रही हूँ पेल्विक पेन क्यों होता है, ये आप लोग गूगल कर लो। बट ये हमारी बॉडी जो है नेचुरल लेवल के लिए जब तैयार हो रही होती है, तो वो चेंजेस जो बॉडी मसल रिलैक्सिंग जो भी होता है ये सब होता है, तो इसलिए बॉडी इतनी नम हो जाती है। जिसके नॉट टेल यू, आज इतने दिनों बाद गाइस मुझे तंदूरी मोमोज की क्रेविंग हुई है एंड हनी वही लाने गए, तो मैं वो खा के घर जाऊँगी। और ये पहाड़ी है कृष्णा मार्केट में, ये बहुत अमेजिंग तंदूरी मोमोज बनाता है। गाइस देखो, दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग, ऐसे मतलब दिखने वाले तो आप लोगों ने वैसे खाए होंगे, क्या बोलूँ, बट मुझे यहाँ के अच्छे लगते हैं, मैं सबको इतना बता दूँ, क्योंकि सबके एरिया में कुछ ना कुछ अच्छा मिलता ही है ना। बिल्कुल। और यहाँ कुत्ता खा रहा है बिस्किट, कुत्ते को खिला के फिर ये खाएगा, मतलब ये मोमोज। वहाँ पे वो देखो एक पेड़ है, इसको लग रहा है कि इतनी बड़ी चीज कौन सी है, देखो भौंक भौंक के पागल है, पेड़ है ऑस्टी वो। मैं कार में वेट कर रहा हूँ, विशाली आ गई है जरा कुछ सामान लेने, क्योंकि ऑस्टी ने हमारे साथ इसलिए मैं जा नहीं पा रहा, इसको संभालना है और इसकी हालत देखो, पेड़ है ऑस्टी। और हम मम्मी के घर आ गए हैं, देख लीजिए यहाँ पे सब कैसे बैठे हुए हैं, ऑस्टिन भी चेरी को देख रहा है। चलो दोनों हाथ से पकड़ो,
चलो उधर बताओ बुआ के बाल बना रहे हैं, बता दो। बुआ बाल बना रहे थे। हाँ, ओके। अरे यहाँ पे ना ये डॉग्स हैं जो ऑस्टिन मतलब हमारी गाड़ी पहचान लेते हैं और ऑस्टिन पे भौंकते हैं बहुत ज्यादा। और ये मेरी छोटी बच्ची इतना डरती है, पीछे से आ जाती है, पीछे से आगे आ जाती है अपनी मम्मा के पास कि मेरे को बचा लो। जबकि उसने अटैक किया था। हाँ, एक्चुअली जब ऑस्टिन बहुत छोटा था ना, मुझे लगता है होगा शायद 5 महीने का या 6 महीने का, तो मैं इसको बाहर वॉक पे लेके गया था, तो यहाँ पे ब्लैक कलर का डॉग है, उसने इस पे अटैक कर दिया था। तो ये मेरी छोटी गुड़िया तब से डरती है उससे। और ये मेरी बुढ़िया बैठी है। गाइस इसी के साथ अब एंड करते हैं आज को। एंड करते हैं क्योंकि हम लोग थक गए हैं, अब ऊपर जाएंगे और सीधा सोएंगे। गुड नाइट। आप लोग सब्सक्राइब करना एंड लाइक शेयर जरूर करना।